मणियाहू के अहमदपुर के ग्राम प्रधान ग्रामीणों संघ पहुँचे। एसडीएम कार्यालय कोटेदार पर रास्ते पर गेट लगाकर रास्ते को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। बता दें कि अहमदपुर के ग्राम प्रधान पुष्पराज यादव प्रधान ग्रामवासियों संघ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर रास्ते के अवरोध को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। प्रधान व ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कोटेदार शंभू द्वारा रास्ते में लोहे का गेट लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है और रास्ते में ही बोलेरो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि रास्ते के अवरोध को खाली कराया जाए जिससे ग्रामवासियों को आने जाने में परेशानी न हो। देखिए मणियाहू से अशोक कुमार दुबे की रिपोर्ट। हमारा नाम पुष्पराज यादव है। मैं अहमदपुर का ग्राम सभा का प्रधान हूँ। अच्छा, तो वो रोड हमारे प्रधानी के पूर्व लगा हुआ था। हाँ। लेकिन लोगों ने जब शिकायत की तो मुझको भी लगा कि नहीं ये गलत लगा है। अच्छा। पहले तो उसने मेन रोड को बंद किया। हाँ। जब पीछे का भी उसने बंद करके एकदम बंद कर रहा था, लोगों ने मेरे पास किया। मैंने जो है जाने के बाद उस रोड को वो मैंने कहा नहीं, यहाँ दरवाजा नहीं लग सकता। एक तरह रोके कौन दरवाजा लगा रहा था? सरोज कुमार है, कोटेदार। अच्छा। भी गांव के हैं। अच्छा। उनके लड़के हैं शंभुना। हाँ। और दूसरा लड़का क्या नाम? शंकर है। तो इन लोगों का कहना है। हाँ। कि वो राशन भी कम देते हैं। राशन के लिए भी जो है गांव के इस बार होली के अवसर पर मेरे पास गरीब लोग आए। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमको तो भैया गेहूं मिल गया, चावल मिल गया, मगर तेल भी नहीं मिला। अच्छा। न तो नमक मिला, न तो चना मिला। तो मैंने उससे पूछा कैसा क्यों कर रहे हो, नमक दे रहे हो, तेल गेहूं चावल दिया तो नमक और तेल भी देना चाहिए। इसके बाद बुलवा करके फिर उससे नमक और चने तो दिलवा दिए। लेकिन ऐसी इतनी शिकायतें आती है कि जो कि मुझको मजबूर हो जाना पड़ता है। अच्छा। तो वो कोटा में भी अनियमितता लोगों ने, तो आप कोटेदार खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दिए? अभी मैंने गांव वालों को बोला आपकी समस्या है, मैं मेरा कहना काम है, समस्या आप लोगों का है, आप लोग मुझको बुलाइए, उसका वजन तौला करके वहां रख दीजिए। वो लोग कहते हैं 10 किलो के जगह मुझको 7 किलो मिलता है। अच्छा, वजन भी मतलब कम देता है? 3 किलो कम देता है। इन लोगों का घाल मिल बहुत लंबा है, इन लोगों का यूनिट का भी हेरफेर है। जिस किसी के यूनिट में उस परिवार का नहीं है, दूसरे परिवार के लोगों के यूनिटों को जोड़ करके उसने बहुत लंबा हेरफेर सरकार को बहुत बड़ा चूना लगाना है। अच्छा, बहुत सारी समस्याएं हैं उसके प्रति से लोगों को। तहसील में किसके पास आए हैं? तहसील में इस समय हम एसडीएम साहब के पास, गांव वालों ने मुझको बताया कि हम भी चल रहे हैं। अच्छा। प्रधान जी आपके सामने जो गुजरी है आप भी चलिए, क्योंकि तो हम भी आ गए हैं जो है। हमारा बेयंत कुमार नाम है। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत अहमदपुर ग्राम चहरपुर है। क्या है कि आज मणियाहू तहसील में आए हैं? समस्या ये है, हम आज 8-9-10 महीने दौड़ रहे हैं सर जी हटवाने के लिए। हाँ। हम ब्लॉक से भी परमिशन लेकर आए हैं कि वीडियो साहब भेजे हैं, जाकर जांच करके लगाओ रिपोर्ट। रिपोर्ट लगा है कि ये गेट गलत लगा हुआ है, ये देखिए। अच्छा। रिपोर्ट कल मैं पुलिस चौकी में भी बताया, हमको करें ये ज़्यादा बोल रहा है, इसको नेतागिरी में हमको डाल। कहाँ गेट लगा है ये? लगा है चहरपुर चौरौटी में। अच्छा। चहरपुर में दलित बस्ती में। तो क्या कोटेदार हैं? तो क्या चाहते हैं आप? मैं ये गेट जो है कि हटा दें, हम लोग आने जाने का रास्ता हो जाए। और धमकी देते हैं जा करके सर, 5-6 घर है। और कह हमारे पास कोटा है। और मैंने कहा तो तुम्हारे पास कोटा है तो यूनिट भी उसमें तुम बढ़ा बढ़ा कर पैसा कमा रहे हो, कैसे हम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कौन बोला है ये? शंभू। क्या? शंभू पुत्र सरोज। ये कौन है? सरोज जो कोटेदार है, शंभू उनका लड़का है जो है कोटेदार। हाँ, वही दबंगई कर रहा है। अच्छा। वो हमको जान से मारने धमकी दे कह रहा है कि गाड़ी से कुचल देंगे। तो यहाँ किसके पास आए हैं? यहाँ हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। एसडीएम साहब के पास? या। अच्छा। और कह रहे हैं हम गाड़ी से कुचल देंगे। क्या नाम है आपका? सुशीला। अच्छा। आप भी सब साथ में आए हैं? हाँ, सब साथ में आए हैं। और सबके घर बहन बैठी है। सर जी यहाँ गाली गंदी गंदी दी है। सर जी यहाँ प्रधान जी आए हैं और पूर्व प्रधान भी आने वाले हैं और यहाँ बीटीसी आए हैं। कहाँ है प्रधान जी? कहाँ? प्रधान जी प्रधान जी वहाँ हैं, बीटीसी भी है।